हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई राहुल स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शौक बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हमें क्या गिफ्ट मिला है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वो गिफ्ट है जो मुझे कल मिला है। ये कुछ पिजन्स हैं जो मेरे मामा कल मेरे लिए गिफ्ट में लाए थे। तो दोस्तों, आपने देखना है, आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि ये कौन सी नस्ल है और ये कौन से कबूतर हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे कबूतरों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और दोस्तों, साथ में आपने मुझे ये भी बताना है कि नर है मादिन है, क्योंकि दोस्तों मुझे मुर्गों की और कुत्तों की बहुत अच्छी नॉलेज है डॉग्स की, लेकिन मुझे कबूतरों के बारे में दोस्तों कोई जानकारी नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अभी टोटल हमारे पास 4 कबूतर है। तो दोस्तों, मुझे तो खैर इतना ही पता है कि जो ये परिंदे होते हैं या पक्षी होते हैं, बाजरा और मक्का वगैरह ही खाते हैं, गेहूँ हो गया। लेकिन फ़िलहाल अब अभी जो इन्हें देंगे ना, वो देंगे इनको कल रात की बासी रोटी, क्योंकि कुछ मैंने अपने दोस्तों से पता किया था जो थोड़े कबूतर वगैरह पालते हैं, तो उन्होंने कहा भाई बासी रोटी इनको बहुत अच्छी लगती है जो रात की बची हुई होती है, आप इन्हें वो दीजिए, उससे ये काफ़ी ग्रोथ भी करते हैं और ये चाव से भी खाएँगे। और जैसे जो कबूतर थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वो काफ़ी जल्दी उससे भरावट में आ जाते हैं। ओ ओ ओ ओ ओह ओह ओह। तो देखिए दोस्तों, ये रोटी है। ओह ओह ओह। तो देखिए दोस्तों, किस तरह ये फ्लाई करके उस तरफ रोटी खाने गए हैं। तो दोस्तों, खैर ये मेरे पास कल शाम को आए थे। तो जैसे कि दोस्तों, कल मैंने अभी बताया कि ये कल शाम को मेरे पास आए थे। कल भी मैंने कुछ इसी प्रकार इनको ये रोटी दाना ऐसे ही चुगाया था। तो दोस्तों, यकीन मानिए, जिस तरह ये भी उड़ के गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अपने पर फैला रहे थे ऐसे, तो एक ऐसे सुकून सा मिला इन्हें देख के। पक्षी दाना खा रहे हैं, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा फ्लाई कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी सी एक फीलिंग आती है भाई। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी एक जो है फीलिंग आई है, लेकिन आप जो लोग कबूतर पालते हैं वो मुझसे ज़्यादा बेटर जानते होंगे। देखिए, मैं कबूतरबाजी के बारे में तो खैर कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि एक परिंदों को दाना देने में या एक अलग ही सुकून आया, एक अलग ही मज़ा आया, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इनको दाना देकर। देखिए, तो दोस्तों, आप अगर मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि एक नर है मादिन है, अभी मेरे लिए तो दोस्तों ये 4 कबूतर हैं और सिर्फ कबूतर ही है, या कौन सी इसमें कबूतरी है या कौन सी इसमें कबूतर है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाकी आप लोग मुझे बताएंगे तो फिर उसके बाद हम इनका जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि सबका जोड़ा बनाना चाहिए। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, उसके बाद मैं जिसके बारे में आप मुझे बताएंगे, मैं उसके लिए कबूतर की ज़रूरत होगी कबूतर लाऊंगा, और जिसके लिए कबूतरी की ज़रूरत होगी मैं उसके लिए कबूतर लाऊंगा। तब तक आप, अरे कहना क्या चाहते हो, इनका शौक कीजिए। ओह ओह ओह। और दोस्तों, ना जाने ये वाला जो बच्चा है आप देख सकते हैं, ये सफेद कबूतर के पीछे क्यों लगा रहता है मुझे समझ नहीं आता है। वो सफेद कबूतर इनसे बेचारों से अलग से ही थोड़ा सा चुगता है और दाना उठाता है। ये बच्चा इनको, इस कबूतर को बहुत परेशान करता है, ये देखिए।
ओ ओ ओ आ आ आ आ ओ ओ ओ फिर से रोटी गिनेंगे दोस्तों इनको एक बार। ओ तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये नए नए कबूतर हैं और ये उड़ नहीं रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तकरीबन इनके जो पंख हैं वो बंधे हुए हैं, इस कारण से ये उड़ नहीं रहे हैं, वरना ये कब के भाग जाते, मुझे भी यही बताया गया था। तो मेरे मामा ने मुझे पहले ही सारे बंदोबस्त करके दिए थे इनके, कि इनको किस तरह से दाना खिलाना है, कल सब चीज़ समझा के गए थे। और दोस्तों वैसे भी मैं पहले मुर्गे पालता था, काफ़ी अच्छा शौक कर चुका हूँ मुर्गों का, तो मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो वैसे लेकिन जो कबूतरों के बारे में नहीं थे, उन्होंने मुझे इनके परवर बांध के दिए थे और उन्होंने सब कुछ समझाया था क्या देना है क्या नहीं, तो मैं उसी हिसाब से इनको दाना दे रहा हूँ। तो दोस्तों कल मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी बताया कि दोस्तों इनको काले चने भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए काले चने, तो मैं इनको काले चने भी दूंगा। ओ ओ ओ ये देखिए, मैं कल ही इनके लिए लिया आया था शाम को ही, और मैंने खिलाकर भी देखा था, काफ़ी चाव से खाते हैं। और दोस्तों कुछ कमी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या होता है और कैसे होता है, इनके कैसे टेक केयर की जाती है। ओह 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 तो दोस्तों इनको इनका खाना और धूप पानी एंजॉय करने देते हैं, आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होगी वीडियो में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये ऐसे कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसे पंख फैला रहे हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है देख के। दोस्तों हम अपने कबूतर तो अब बंद कर ही आए हैं, लेकिन ये देखिए मिठी को। और दोस्तों जब ये गुस्से में होती है तो ये देखिए ये कैसे चीज़ों का नुकसान करती है। ये देखिए इसने ये जो प्लास्टिक का कटोरा है ये कैसे पूरा चबा गई है, देखिए सिर्फ ये इसने एक रात में किया है, यकीन मान सकते हैं आप, ये इतना कचरा सिर्फ एक रात में। अभी दोस्तों थोड़ी देर में मैं इसको भी खोलूंगा और फिर इसको नीचे लेके जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों अभी हमारे डॉग्स का खाना तैयार हो रहा है, बेला और विस्की का बॉयल एग है, बॉयल राइस है, और इसके अंदर रॉयल कैनन और दही, मल्टी विटामिन, कैल्शियम, लेवर टॉनिक सब ऐड करके देंगे हम। विस्की विस्की भूख लगी है, थोड़ी देर और ठंडा हो जाने दे फिर खिलाता हूँ। तो दोस्तों अभी तकरीबन रात के 8:30 बज चुके हैं और हमने अपनी जो विस्की और बैला को है वो हमने खाना दे दिया है। तो इनके खाने खाने के तकरीबन दोस्तों 10 से 15 मिनट बाद हम एक एक करके इनको वॉक पे लेके चलेंगे, और दोस्तों उसके बाद इन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और तकरीबन हमने अपने कबूतरों को भी शाम को दाना वानी दे के दोस्तों जो है बंद कर दिया था, और जो हमारी मीठी है दोस्तों वो तो खुली रहती है, आप लोगों को पता ही है, और दोस्तों वो हमारे साथ ही सोती है। तो दोस्तों ये था आज की छोटी सी वीडियो, में उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, लाइक दें, और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को शौक बड़ी चीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा।